फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल आप लोग कैसे हो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम लोग देखेंगे पूर्णवा यानी कि साटा Friends, ये आमतौर पर करपतवार के रूप में आपको देखने को मिलती है आपके आसपास ही उगाती है आप लोग सभी इसके पौधे को देखे होंगे पर क्या इसके गुणों को आप जानते हैं अगर नहीं तो वीडियो में कंटिन्यू रहे फ्रेंड्स ये पूर्णवा बहुत ही गुणकारी होती है ये एक दिव्य औषधि से कम नहीं होती ये बहुत सारी बीमारियों में लाभकारी साबित होती है आमतौर पर इसे बरसात के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है और पानी मिलने पर यह साल भर बना रहता है यानी कि जीवित रहता है मूलतः ये दो प्रकार की पाई जाती है एक श्वेत पूर्णवा और एक रक्त पूर्णवा श्वेत पूर्णवा यानी कि सफेद और रक्त पूर्णवा यानी कि लाल यह जिस स्थान पर होती है उस एरिया को गोल आकृति में घेर लेती है और ये जमीन पर ही चार से छह फीट लत की तरह इसकी लंबाई होती है ये पानी मिलने पर साल भर तक जीवित रहती है इसकी पहचान आप अच्छे से देख सकते हैं यह है रक्त पूर्णमा जिसकी डंठल और पत्तियाँ लालिमा युक्त है ये आप पत्तियों को देख सकते हैं पत्तियों के किनारे किनारे लालिमा युक्त है आप इसकी पहचान अच्छे से कर सकते हैं इसकी पत्तिया छोटी और गोला में होती हैं ये देखिए यह है रक्त पूर्णमा यानी कि लाल साटा और ये देख सकते हैं ये है श्वेत साटा इसके पौधे में पत्ते या डंठल में कहीं भी लालिमा युक्त नहीं है ये पूरी तरह से हरी है और डंठल भी श्वेत यानी कि कि सफेद यानी ग्रीन टाइप में दिख रही है आप बखूबी समझ रहे होंगे तो ये है दोनों की पहचान श्वेत साटा और रक्त साटा फ्रेंड्स लोग इसे भाजी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं उससे भी इसमें फायदा मिलती है और खासकर किडनी प्रॉब्लम लीवर प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम में जो सूजन आ जाती है उस सूजन को दूर करने के लिए ये रामबाण साबित होता है साटा रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी को दूर करने में रामबाण साबित होता है इसका सेवन आप औषधि या फिर भाजी के रूप में कर सकते हैं साटा का प्रयोग खासकर मूत्र मार्ग में बने हुए स्टोन को गलाने में प्रयोग किया जाता है इसके रस को खाली पेट एक से दो चम्मच लेने से बहुत ही लाभ मिलता है और अगर किसी को मूत्र नहीं बनता हो या फिर बन तो रहा हो पर बाहर नहीं आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी साटा के रस का सेवन करने से बहुत ही लाभ मिलता है परंतु इसे खाली पेट ही सेवन करना चाहिए एक या दो चम्मच साटा के जड़ को पीलिया रोग में लिया जाता है पीलिया रोग को ठीक करने में साटा के जड़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे पीसकर चटनी की तरह बनाकर और उसके रस को निकालकर उसका इस्तेमाल किया जाता है पीलिया रोग में यह रामबाण साबित होता है वैसे तो दोनों साटा उपयोग में लिए जाते हैं पर अगर आपको श्वेत साटा मिलता है जो हम मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये श्वेत साटा अगर मिलता है तो ये अति उत्तम माना जाता है पर अगर ना मिले तो आप रक्त साटा का भी उपयोग कर सकते हैं अगर आप इसे साग की तरह उपयोग करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है फ्रेंड्स ये लीवर के लिए बहुत ही अच्छी होती है आपको बहुत फायदा मिलती है और रक्त अल्पता को ये बहुत ही जल्दी रिकवर कर देती है फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद